वेलकम फ्रेंड सार क्लासेस, स्वागत है आपका सार क्लासेस। इस वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टराइजेशन को पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इसकी पिछले वाले वीडियो तक हमने फैक्टराइजेशन का जो कॉमन फैक्टर था उसमें मोनोनोमियल का कैसे निकालेंगे, बाइनोमियल कैसे निकालेंगे देख चुके थे। इस वीडियो में हम ट्राइनोमियल देखने वाले हैं और ये कॉमन फैक्टर का लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि इसके बाद कितना भी लंबा टर्म दे दिया जाए हमें कॉमन फैक्टर में फंसने की जरूरत, क्योंकि कॉमन फैक्टर में करते क्या है, कितने भी टर्म दिया गया हो हम कॉमन टर्म को ढूंढते हैं। किसको ढूंढते हैं? कॉमन टर्म को ढूंढने के बाद हम क्या करते हैं, जो कॉमन टर्म होता है उसको बाहर निकाल देते हैं और उसी से उसमें क्या कर देते हैं। अब कॉमन फैक्टर ढूंढने के दो तरीके होते हैं, पहले वेरिएबल का ढूंढते हैं, बाद में कॉन्स्टेंट का ढूंढते हैं। वेरिएबल को पहले ढूंढते हैं, यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यानी x क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। यहाँ वाई है, यहाँ भी वाई है, क्या यहाँ वाई है? नहीं, तो हमारा कॉमन सिर्फ क्या होगा, ओनली एक्स होगा। ओनली क्या होगा? एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक्स की काउंटिंग कर लेते हैं, वाई तो है नहीं, एक्स की काउंटिंग कर लेते हैं। यहाँ कितना एक्स है? तीन एक्स है। कितना एक्स है? यहाँ भी तीन एक्स है, क्या यहाँ तीन एक्स है? नो, तो तीन एक्स कॉमन नहीं हो पाएगा, तीन एक्स कॉमन नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कितना x है, 2x, यहाँ पर भी 2x है, yes, यहाँ पर भी 2x है, yes, यानी 2x यानी x स्क्वायर सब में शामिल है, x स्क्वायर सब में शामिल है, तो हमारा x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो हमारा वेरिएबल का कॉमन क्या हुआ, फाइनल हुआ। वेरिएबल का कॉमन, वेरिएबल का कॉमन फाइनल करने के बाद हम कॉन्स्टेंट का क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। हमारे पास कॉन्स्टेंट क्या था, 14, 21, 28। जब इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 7 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। आप एचसीएफ निकाल के देख सकते हैं, तो एचसीएफ 7 आने के कारण, क्योंकि ये हम कैसे करेंगे तीनों टर्म का, 14, 21 और 28, जब तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। एचसीएफ आप करके देख सकते हैं, एचसीएफ आप करके देख सकते हैं, एचसीएफ कितना आएगा, 7 आएगा। अब इस ये हमारा है फैक्टर, ये हमारा है, और यही फैक्टर सबको क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहाँ पर डालेंगे ब्रैकेट और सब में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड का क्या तरीका होता है, कॉन्स्टेंट्स के कॉन्स्टेंट में, वेरिएबल से वेरिएबल में। तो यहाँ पर है कॉन्स्टेंट 14 और कॉन्स्टेंट कितना है, 7। कितना टाइम में कट करेगा, 2 टाइम में कट करेगा। कितना टाइम में कट करेगा, 2 टाइम में कट करेगा। यहाँ पर कितने एक्स हैं, 3 एक्स है। यहाँ पर कितना एक्स है, यानी कितना एक्स को बचाएगा, 2 एक्स को खत्म कर देगा, केवल एक्स को बचाएगा, केवल एक्स को बचाएगा। प्लस का प्लस, इस कॉन्स्टेंट में इस कॉन्स्टेंट से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 21 में 7 डिवाइड करेंगे कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पर कितने एक्स है, 4 एक्स है। यहाँ पर कितना एक्स है, 2 एक्स है। 4 एक्स में से 2 एक्स क्या कर देगा, कितना एक्स बचेगा, 2 एक्स, यानी एक्स स्क्वायर बचेगा। y तो कॉमन में है नहीं, तो y एज इट इज उतर जाएगा, y एज इट इज उतरेगा। माइनस का माइनस, कॉन्स्टेंट से इस कॉन्स्टेंट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 28 में 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, यहाँ पे कितना x है, 2x, यहाँ पर भी कितना x है, यानी x स्क्वायर को क्या कर देगा, कट कर देगा, x खत्म, y स्क्वायर सिर्फ बचेगा। ये हमारा कॉमन फैक्टर क्या हुआ, फाइनल। क्योंकि अब इसमें ऐसा कोई टर्म नहीं है जो कॉमन हो, यहाँ x है, यहाँ x है, क्या यहाँ x है, नहीं है, तो x भी कॉमन नहीं ले सकते हैं। y की बात करें, यहाँ y है, यहाँ y है, वहाँ y है ही नहीं। अब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकलने वाला है, तो यही हमारा क्या हो जाता है, कॉमन फैक्टर हो जाता है। क्या हो जाता है, जाता है। ये ट्राइनोमियल था, ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा सा माइंड ही हल्का सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या देखते हैं, तो सबसे पहले हम इसका भी कॉमन फैक्टर निकालेंगे। ट्राइनोमियल जो कितना भी नोमियल हो, पॉलीनोमियल हो, हमें डरने की जरूरत, हम कॉमन टर्म को ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं, तो यहाँ पे टी है, यहाँ भी क्या है, यहाँ टी स्क्वायर है। क्या हम टी कॉमन में ले सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्यों, ये वाला ओनली कॉन्स्टेंट है, यानी इसमें ऐसा कोई टर्म नहीं है जो वेरिएबल में कॉमन हो, हम कुछ भी वेरिएबल टर्म में कॉमन नहीं ले सकते हैं। बहुत बहुत जल्दीबाजी में क्या करेंगे, टी कॉमन लेंगे, जो गड़बड़ है, जो गलत है, जो क्या है, क्योंकि टी यहाँ तो है नहीं, अगर यहाँ पर भी 5t रहता तो हम क्या करते, कॉमन टी ले लेते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल को कॉमन नहीं लेंगे, तो हमारा वेरिएबल का कॉमन खत्म। अब हम किसका कॉमन लेंगे, कॉन्स्टेंट क्या क्या है भाई, 5 है, 10 है और 20 है। इन तीनों का एचसीएफ कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 10 को भी काट देगा, 20 काट देगा, तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे, 5 को कॉमन निकालेंगे। किसको कॉमन निकालेंगे, 5 को कॉमन में निकालेंगे, हमारा कॉमन 5 है। अब इसे क्या करेंगे, ब्रैकेट में डालेंगे, जो भी कॉमन निकलता है उससे उसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 5 में 5 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 टाइम में कटेगा तो क्या आ जाएगा, -1, क्या आ जाएगा, -1, फिर ये माइनस का माइनस। अब
कांस्टेंट से कांस्टेंट में डिवाइड करेंगे तो 10 में 5 डिवाइड करके कितना टाइम में कटेगा, 2 टी एज टी से उतर जाएगा क्योंकि टी कॉमन में है ही नहीं, टी कॉमन में फिर माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, 20 में किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, कितना टाइम में कट करेगा, 4 टाइम में कट करेगा और टी स्क्वायर एज इट इज उतर जाएगा कि टी कॉमन में है ही नहीं। अब इसमें ऐसा कोई टर्म नहीं है जो कॉमन में निकल सके, टी टी यहाँ है तो टी कॉमन में आएगा नहीं, अब कुछ यहाँ से कॉमन में निकलने वाला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये कॉमन फैक्टर यहाँ से हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है, चाहे मोनोनोमियल हो, चाहे बायनोमियल हो, चाहे ट्राइनोमियल हो, चाहे पॉलीनोमियल हो, हमें सिर्फ कॉमन फैक्टर में क्या देखना पड़ता है, कॉमन पॉइंट को देखना पड़ता है। कॉमन दो तरीके से निकालते हैं, पहला वेरिएबल का और दूसरा कॉन्स्टेंट का। वेरिएबल का कॉन्स्टेंट निकाल कॉमन निकालने के बाद से कॉन्स्टेंट का कॉमन निकालने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ को लेते हैं। कॉमन फैक्टर निकल जाने के बाद से जो भी कॉमन फैक्टर निकलता है उसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो आता है वही हमारा क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, धन्यवाद।